नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सितयोग न्यूज। देखिए, औरंगाबाद में एक सनसनीखेज वारदात होते होते बच गया। एक लड़की की बहादुरी से उस लड़की की जान बच गई और उस लड़की के साथ होने वाली घटना भी नहीं घटी। यही वो जगह है जसोईया मोड़, जहां से गोपालगंज से पटना होते हुए उक्त लड़की औरंगाबाद के जसोईया मोड़ पहुँची थी और उसे सनथुआ स्थित नर्सिंग कॉलेज जाना था। इसी जसोईया मोड़ से वह ऑटो पकड़ती है, ऑटो रिजर्व करती है। रिजर्व कर वह जब सनथुआ स्थित नर्सिंग कॉलेज जाने लगती है तो ऑटो चालक जो है वह उसे दूसरे रास्ते में लेकर जाने लगता है, और जब जाने लगता है तो इसका विरोध वह लड़की करती है और अपने भाई को फ़ोन करती है। जब भाई वह ऑटो चालक से बात करता है तो इसका विरोध करते हुए ऑटो चालक उस लड़की का मोबाइल और बैग छीन लेता है। इसी बीच लड़की जो है वह हल्ला हंगामा करती है तो बगल से जा रहे एक व्यक्ति उस लड़की को ऑटो चालक से बचाता है। तब यह मामला थाना में दर्ज होती है और पुलिस संज्ञान में आकर इस मामले का उद्भेदन करती है और उक्त चालक को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है। इस मामले में आइए जानते हैं, औरंगाबाद SDPO सदर वन ने एक प्रेस वार्ता जारी कर मामले की जानकारी दी है। एक बहुत ही सनसनीखेज समाचार प्राप्त हुआ था हम लोगों को और बहुत ही चैलेंजिंग था पूरे औरंगाबाद पुलिस के लिए। सूचना है कि एक नर्सिंग की छात्रा जो 7:40 बजे संध्या में जसोईया मोड़ पे, वो गोपालगंज की रहने वाली बच्ची, अपने नर्सिंग कॉलेज के लिए आई थी और संध्या में जब जसोईया मोड़ पे उतरी, वो बारिश हो रहा था, ऑटो लेकर वो अपने कॉलेज के लिए निकली। ऑटो वाले से उन्होंने किराया तय किया। कुछ देर चलने के बाद उस बच्ची को एहसास हुआ कि ऑटो किसी गलत रास्ते पे ले जा रहा है। जब उन्होंने प्रतिकार किया तो ऑटो वाला यह कहकर फुसलाता रहा कि नहीं, हम दूसरे रास्ते से आपको शीघ्र ही पहुँचा देंगे। इसके बाद उसने एक सुनसान इलाके में अपने ऑटो को रोक दिया, बच्ची का मोबाइल छीनने का प्रयास किया। उसके बाद बच्ची जब विरोध की तो बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करने लगा। इनफैक्ट युवती है, वो दुष्कर्म करने की। इसी बीच वो युवती जोर से जब चिल्लाई, एक राहगीर जो मोटरसाइकिल से उधर से गुजर रहा था वो रुका और लड़की की मदद के लिए जब आया, इसी बीच वो ऑटो वाला बच्ची को छोड़ के, जो बैग था बच्ची का बैग था, वो बैग लेकर वो वहाँ से भाग गया। बच्ची आकर रिसेप्ट थाने में इसकी सूचना दी। इसके बाद तत्क्षण पुलिस दल द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। पता चला कि वो घटनास्थल जहाँ पे घटना घटी थी वो बारून थाना अंतर्गत था। एक टीम बनाई गई SP मैम के निर्देशन में, उसमें मुफसिल SHO प्रोफेशनल DSP मनीषा जी, बारून SHO और मुफसिल की पूरी टीम, बारून की पूरी टीम लगी और उस कांड का वैज्ञानिक, तकनीकी, मानवीय तीनों का एक संपुष्ट जो होता है मदद लेकर उद्भेदन किया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की। उसके बयान के आधार पर उस बच्ची का लूटा हुआ बैग बरामद किया गया और वो ऑटो भी बरामद किया गया है। और इसमें जो सबसे प्रबल पक्ष था, यह अननोन केस था, क्योंकि बच्ची बाहर की रहने वाली थी, अकेले कॉलेज जा रही थी। और अगर ये घटना सिर्फ एक राहगीर के चलते, जो एक सिविलियन जा रहे थे, अगर वो मदद के लिए चिल्लाई और वो नहीं आते तो एक बहुत बड़ी घटना कारित की जा सकती थी और ये बहुत शर्म की बात होती हम सबके लिए। लेकिन पूरी पुलिस टीम ने पूर्ण मनोयोग से काम करते हुए इस कांड का उद्भेदन किया है और उस राहगीर की पहचान चूँकि अभी तक हम लोग नहीं कर पाए हैं, लेकिन शीघ्र ही उनकी भी पहचान करेंगे। उन्हें जिला स्तर पर भी सम्मानित किया जाएगा और उन्हें सम्मानित करने के लिए हम राज्य स्तर पर भी अनुशंसा करेंगे। और एक मैसेज सोसाइटी में जाना चाहिए कि छोटी सी मदद भी किसी व्यक्ति की जान, किसी व्यक्ति की इज्जत और उनकी धन संपत्ति भी बचा सकता है। औरंगाबाद पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। अक्सर देखा गया है सर कि बहुत रात में बहुत सारे राहगीर या बाहर से आने वाले लोग आते हैं, तो क्या ऑटो को भी चिन्हित करने का कुछ है, जो रात में ऑटो चलते हैं या उनका कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह चेक किया जाए, कहाँ पे है, क्या है? नहीं, देखिए, इस तरह की घटना का ये पहला मामला हम लोग के संज्ञान में आया। हालांकि पटना वगैरह में व्यवस्था जहां बहुत सघन चीज़ें हैं, बहुत ऑटो के माध्यम से अपराध कारित होते हैं, वहां पे सभी ऑटो का एक पुलिस कोड दिया जाता है।
हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ भी हम एक योजना बनाकर कि जो भी ऑटो स्टैंड में जो भी ऑटो वाले हैं यहाँ से पंजीकृत हैं जो यहाँ से चालू हो रहे हैं उनका एक पुलिस कोड हम लोग निर्गत करें जिससे कि कभी कोई घटना दुर्घटना हो तो राहगीर उस पुलिस कोड से भी उस वाहन चालक तक हम लोग पहुँच सकते हैं। और इससे क्या होगा कि अपराधी किस्म के जो लोग हैं जो अपराध के कार्य में लिप्त हैं वैसे लोग इस प्रकरण में नहीं आ पाए। नहीं अभी तक तो अभियुक्त का नाम मदन कुमार है, पिता साधु यादव, जनकोप थाना बारून का रहने वाला है ये, और इनके आपराधिक इतिहास को हम लोग टटोल रहे हैं और जो इनकी प्रवृत्ति है लग रहा है कि पूर्व में भी कुछ इनका रहा होगा लेकिन अभी तक हमारे सामने कोई ऐसा ये मतलब वो बारून फसिल और रिसीव का एक सेंटर बॉर्डर पॉइंट है लेकिन जो घटना घटी है जहाँ पे बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की जा रही थी वो घटनास्थल बारून थाना क्षेत्र में। सर अक्सर देखा गया है कि पुलिस को ये निर्देशित की है कि एफआईआर कहीं पे भी हो सकता है लेकिन लोग परेशान होते हैं कि हमारे क्षेत्र में नहीं है। ये आपसी समन्वय और समझ की कमी है और इसमें तो कहीं वैसी बात भी नहीं थी चूँकि तीनों थाना क्षेत्र एक ही जिले में है और तीनों बगल में है और इस पूरे उद्भेदन में भी तीनों थाना के लोगों ने मिलकर काम किया है। इसको हम लोग उसको भी जमीनी स्तर पर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि यह समस्या न आए, पीड़ित के साथ वो सीमा विवाद वाली स्थिति न रहे जैसे उस अविलंब हम लोग न्याय दें। नहीं इसमें जैसे कि कुछ गलतफहमी हुई थी और कुछ अपरिपक्वता का उदाहरण दिया गया था वो हम आंतरिक जांच भी कर रहे हैं और ऐसे अगर पुलिसकर्मी पाए जाएंगे जिन्होंने पीड़िता के साथ जो प्रोफेशनल ढंग से पेश नहीं आए हैं उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए निश्चित रूप से हम प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। बड़े पदाधिकारी धन्यवाद।